स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के विकासखंड रामनगर में, रामनगर की ग्राम पंचायत तिगरा खानपुर में। आइए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और क्या समस्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा तो होगा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, क्या समस्या चल रही है? समस्या अच्छा दोबारा हो रहा हुआ, जॉब कार्ड हमारा बनोभव आज तक चढ़ता ही ना है, ना फेंक दिया जा तो क्या, किस तरह से मतलब फेंक दिया? अगर काम तुम बड़े बूढ़े हुआ क्या, तुम पे काम ना हुआ, हमारे लौड़ा तैयार है लौड़ तक आज तक साहब कार्ड ही ना हुआ हम, और पैसा निकल जाते तो है बात खत्म। पैसा कैसे निकलता है? काकबर साहब कैसे निकल जाते हो, दूसरे के नाम में चढ़वा देते हैं, काम करते हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? हमारा लखनऊ। क्या है समस्या आपकी? हमारे कोई नहीं, हमारे हम तो बाहर रहते थे। देखिए, और भी कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं आखिर क्या मामला है तिगरा खानपुर का। क्या नाम है भैया? सर मैं तो ध्यान नहीं रहता। देखिए, कुछ और भी ग्रामीण हैं उनसे भी जानते हैं। भैया क्या मामला है? मामला है रोजगार सेवक फर्जी पैसे निकालते हैं। किस तरह से फर्जी पैसे निकालते हैं? दूसरा काम करता है उसके दूसरे पैसे डालते हैं, हमारे तो पैसे नहीं डाले हैं। आपने काम किया? काम किया। कितने दिन काम किया है? 10 दिन काम किया। 10 दिन काम किया, पैसा नहीं निकला आपका? नहीं निकला। तो आपने इसकी खंड विकास अधिकारी शिकायत नहीं की? करी थी। क्या क्या वहाँ से आश्वासन मिला? कुछ नहीं, वो तो फैसला हो गया। फैसला किस तरह से फैसला? समझा दिया लोगों ने। क्या समझा दिया, पूरा बताइए। ये समझाया काम रहने तो हुआ तो हुआ, छोड़ो। देखिए, कुछ और भी ग्रामीण, आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या मामला है। क्या नाम है? मेरा सुमित कुमार नाम है जी। अमरपाल रोजगार सेवा जी, कुछ व्यक्ति लोगों के खाते में फर्जी पैसा डालते हैं। जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी हाजिरी अगर 15 होती हैं तो 8 डालते हैं, अगर 8 होती हैं तो 6 डालते हैं। ऐसे ही अदर व्यक्ति खाते के मतलब पैसा डाल के और उनका अंगूठा लगवा कर उन्हें कभी 100 कभी 200 रुपये दे देते हैं, फर्जी पैसा निकालने। हम यही कार्रवाई चाह रहे थे, यही शिकायत कर रहे थे कि फर्जी पैसा ना निकले। जो व्यक्ति काम करे उसका जॉब कार्ड, उसका ही नाम, उसके ही जॉब कार्ड पर हाजिरी चढ़ना चाहिए। यही सर आपसे मैं निवेदन है। आपने इसकी कहीं शिकायत की है? शिकायत भी की थी, एक जानकारी ले, यहाँ पर जिन लोगों का आप शिकायत भी की है, शिकायत भी की थी, सचिव साहब से भी गई, खंड विकास अधिकारी से भी शिकायत की, आए यहाँ पर जाँच भी की उन्होंने और जाँच करके भी ले गए हैं और बताई कि कार्रवाई भी आगे करेंगे। देखिए, यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं, आइए हम उनका सीधे सीधे आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या कहते हैं ग्रामीण और किस तरह से जो शिकायतें हैं वो वास्तव में जायज़ हैं या क्या, ये तो जांच के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हम बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से लोगों से जानते हैं क्या मामला चल रहा है। क्या नाम है? अतुल कुमार। अतुल कुमार जी, क्या समस्या चल रही है आपके? पता नहीं, हमारा तो जॉब कार्ड ही नहीं। जॉब कार्ड? क्या नाम है आपका? विक्की। क्या समस्या चल रही है? सर मुझे नहीं पता। सर मेरा कहना है, मेरा नाम नैनापाल है जी। मेरा कहना है कि महिलाओं को भी जो भागीदारी यानी 33% जो दे रहे हैं जी। वो केवल कागजों में ना हो जी। वो जमीनी स्तर पे यानी कि होना चाहिए, जबकि उन्हें काम ना मिलके जैसे कहीं भी मेट का है और स्वयं सहायता समूह की तरफ से मेट वगैरह लगाई जाती हैं, उनको कुछ ना कुछ तो पानी पिलाने का काम दे दीजिए। जो महिला कृषि कर सकती है वो क्या वहाँ पर मनरेगा में काम नहीं कर सकती है? लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो फर्जीवाड़ा हो रहा है इस तरह से। तो कितनी महिलाएं आपके यहाँ नरेगा में कार्य करती हैं? सर पैसा निकलता तो बहुत ही महिलाओं का है जी, जिनकी संख्या 200-250 से होगी, लेकिन महिलाएं जमीन स्तर पे एक भी नहीं जाती क्योंकि उन्हें काम ही नहीं मिलता है। और इस बात की शिकायत मैंने BDO साहब को कई बार दी है कि आप वहाँ पर उनके लिए यानी जॉब कार्ड बनवाइए। जो जॉब कार्ड धारक हैं वो काम करने नहीं जाती हैं, और जो काम करना चाहती हैं उनका जॉब कार्ड नहीं है। पूरा मामला बताइए, क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, हमारे यहाँ पे रोजगार सेवक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पैसे डलते हैं खातों में, मनरेगा द्वारा काम किया जाता है, वो काम का पैसा ना मिल के उन्हें मिलता है जो काम कर ही नहीं रहे हैं। सरकार का पैसा फर्जी आ रहा है, पैसा वहाँ पे 2000 खाते में डाला जाता है, 1800 रुपये उसे रोजगार सेवक ले जाता है, 200-100 रुपये उसे दे दिए जाते हैं जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है। ऐसे ही महिलाएं भी हैं जिनके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ है लेकिन उनसे सिर्फ पैसा निकाला जाता है। और इसमें ये बता सकती हैं कि इनके जॉब कार्ड क्या नाम है आपका? हस्बैंड के नाम पे भी जी। क्या है नाम? पैसा डाल देता है, देखो काम करना ना, फर्जी पैसा डालता, फर्जी पैसा निकाल लेता, कहो 100 देखो 50 दे दे। कितनी बार अभी तक हमारे तो 4-5 दफे लेकर हमारे उनके आदमी खाते में डाल दे, 4-5 दफे निकाल ले।
कहू 100 दे दे, कहू 50 दे दे। और बालक हमारे जो जमान है तो आदमी नजारों काम करते, बालक जाएंगे तो भागे तो रंग तो बालक जाएंगे भजा देंगे तो फर्जी पैसा निकाल के धन ले। तो क्या नाम है आपके पति के? नन्नेलाल। आपने मैडम कहीं शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? मैंने इसकी शिकायत BDO साहब से कही थी। BDO साहब ने एक पैनल तैयार किया और जांच की टीम को भेजा गया। 4-5 दिन पहले यहाँ पे जांच करता आए थे, 7-8 लोग थे अधिकारीगण रामनगर ब्लॉक के, और वो जांच करके अपनी ले गए। अब उसमें क्या जांच में लिखा है ये हमें पता नहीं है। देखिए, हम जो ग्राम पंचायत तिगरा खानपुर है, हम पहुँचे बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। किस तरह का जो प्रकरण चल रहा है रोजगार सेवक पर, जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार सेवक बगैर काम करने वाले लोगों के खाते में पैसे डालते हैं, पैसे निकालते वक्त सिर्फ उनके लिए 200 रुपये दे दिए जाते हैं और जो बकाया जो रुपए बचते हैं वो अपनी जेब में रख लिए जाते हैं। देखते रहिए बरेली देहात में। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ RP वर्मा। हमारे साथ हैं इस वक्त बरेली जनपद के विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत तिगरा खानपुर के रोजगार सेवक अमरपाल सिंह यादव, जिन पे काफ़ी कई दिनों से सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ वीडियोज वायरल हो रहे हैं। उसी संबंध में, उसी प्रकरण में हम जानकारी लेने पहुंचे इस समय तिगरा खानपुर। हमारे साथ हैं रोजगार सेवक, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर जी, मेरा नाम अमरपाल सिंह है, मैं ग्राम तिगरा खानपुर का रोजगार सेवक हूँ। मेरे खिलाफ़ जो लोगों ने एप्लीकेशनें लगाई हैं, जो भी लगाया है वो सारा सब निराधार हैं। उसकी जो जिन्होंने लगाई हैं वो सब व्यक्तिगत लड़ाई के कारण, दुश्मनाई के कारण मेरे पे आरोप लगाए हैं। और उसकी ADO साहब ने जांच कर ली, उस दोबारा में एक टीम आई थी रामनगर ब्लॉक से, उसने भी जांच कर ली, उसमें मेरे लिए बिल्कुल निराधार पाया गया। इसके बावजूद भी और जांचें हो रही हैं साहब, उसके लिए भी वो जो जांच में जांच कराने के लिए मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ साहब हर तरीके से, क्योंकि मैंने कब कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, तो साहब मुझे कोई डर नहीं है सर। जैसे कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप पैसे खाते में डालते हैं और उसके बाद खाते साथ जाते हैं, पैसे बैंक साथ जाते हैं और पैसे वहाँ निकलवा लेते हैं, उन लोगों को मात्र निकलवाई के आप 200 रुपये देते हैं, इस तरह की कई सारे लोगों की वीडियोज वायरल हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, जो वो लोग कह रहे हैं जिनसे मेरी जातिगत दुश्मनी है, ऐसा इसमें कोई नहीं है। कोई व्यक्ति मनरेगा में काम करने वाला नहीं है, जो कह रहे हैं उनके कोई किसी के जॉब कार्ड नहीं बने हुए हैं, वो केवल राजनीतिक तौर पर, लड़ाई के तौर पर, मतलब जो मेरे विरोधी हैं वही लोग कह रहे हैं सर। कोई जॉब कार्ड मनरेगा कर्मी, मतलब मनरेगा का जो जॉब कार्ड धारी है वो कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप बताइए, अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र की जानकारी किसान के लिए, खेती की जानकारी किसान को होगी, ना कि साहब डॉक्टर को होगी। मनरेगा काम जो मनरेगा के जॉब कार्ड धारी करते हैं साहब, उन्हीं को जानकारी होगी कौन गलत काम कर रहा है, कौन पैसा निकाल रहा है, ना कि जो व्यक्ति गाँव में बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं सर, उनको जानकारी होगी। जैसे कि बड़ी संख्या में आपके गांव में एक तरह से आपके विरोध में काफ़ी लोग मीडिया के सामने भी आए और आपके विरोध में वो बोल रहे हैं कि आप काफ़ी लोगों से जो उनके जॉब कार्ड हैं उसमें आप उनके जो खाते हैं बैंक में उसमें पैसे डलवाते हैं, उसके बाद में आप अवैध तरीके से उनसे पैसा भी लेते हैं, इस तरह का आपके गाँव के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? वो सर मैं आपको बता रहा हूँ, वही लोग हैं जिनसे मेरी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ऐसा सर कुछ नहीं है, अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं सर, और दो बार जांच करके ले गए, उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी, और इन्होंने पहले से ही अपने लोगों को बिठा के रखा, तैयारी करके रखी है कि आप ऐसे ऐसे कहोगे, उन्हें समझा के रखा है कि आप ऐसे ऐसे कहोगे और इनको हमारे लिए इस नौकरी से हटाना है, उनका कहना ये है सर। ये थे हमारे साथ रोजगार सेवक अमरपाल सिंह यादव। लगातार हम ग्रामीण गाँव से संबंधित जो खबरें हैं आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात में। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ RP वर्मा।